संसद में हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 23 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने संसद भवन की इमारत पर टांगा पोस्टर, हाथों में तख्तियां लेकर भी संसद की बालकनी में जताया विरोध। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउंड जवैनी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अर्जी पर ईडी को नोटिस भेजा, 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के बजट 2023-24 को केंद्रीय मंत्रालय ने मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। बिहार में इंटरमीडियम के परिणाम घोषित, 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा। बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में 10 लाख स्टूडेंट हुए पास। औरंगाबाद जिले के किसान की बेटी सौम्या शर्मा ने 475 अंकों के साथ कॉमर्स में स्टेट टॉप किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति के आज के मीर जाफर बताया। उन्होंने कहा कि वे भारत के शहजादे हैं जो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं, उन्हें माफी मांगनी होगी। वहीं समित पात्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर और पुलिस ने की रेड, दफ्तर में मिला हथियारों का जखीरा, बड़ी मात्रा में कैश और जिंदा कारतूस समेत मैगजीन हुई बरामद। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल सिंह के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अमृतपाल के फरार होने की पुलिस को थ्योरी पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अमृतपाल के अलावा सब गिरफ्तार हो गए, 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, मेरे खून का हर कतरा पंजाब के लिए, ये मेरा वादा है कि पंजाब की शांति से समझौता नहीं होने देंगे। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि सरकार का गठन अक्षत नक्षत्र में हुआ, ऐसे में ये नहीं सरकार कब तक चल सकेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर, सीएम ने विकास भवन पहुंचकर मंडलीय समीक्षा बैठक की, जहां जिले के आयुक्त और डीजीआई समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। 9 में नशे में धुत युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ की। दुर्गा मां की मूर्ति तोड़ने पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। हापी पुलिस ने 3 बड़ी घटनाओं का किया खुलासा है। एसपी अभिषेक वर्मा से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रोहित रश्ती को गिरफ्तार किया, साथ ही व्यापारी के साथ हुई 2 मुठभेड़ की घटनाओं का भी खुलासा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्य को लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। हाजीपुर बाग के इंटरनेशनल रामनवमी जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर चल रहे लगभग 140 घंटे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अभी भी जारी। हड़ताल पर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम पहुंची। हरदोई में रिक्शे पर जारी महिला से बाइक सवारों ने गले से छीनी चैन, घटना के बाद चोर मौके से हुए फरार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले मंजूर किए गए। सीएम धामी की अध्यक्षता में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी। देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी। सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस चैत्र नवरात्रि में नारी शक्ति उत्सव और नारी सुरक्षा को समर्पित कार्यक्रम किए जाएंगे। कोटद्वार में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पेयजल निगम, जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों को 28 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए। कर्णप्रयाग में रविवार को दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी चमोली द्वारा गौचर पनाई में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड सरकार के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर
ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धामी के नेतृत्व पेश हुए बजट 2023 और 24 की उपलब्धियां गिनवाई। कौशाम्बी पति को नाराज जमानत मिलने से नाराज पति ने माइक के बालों के साथ पति की बेरहमी से पिटाई की। पति पर दहेज उत्पीड़न को लगा था आरोप। यूपी के सीतापुर में बिन मौसम बरसात ने किसानों को उठानी पड़ रही परेशानी। तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चपेट में आई फसलें। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों समेत आग की फसल हुई नष्ट। देहरादून में डिजाइनर मैनेजमेंट को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा के समय बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी प्रतिभाग कर रही। सेमिनार में सीएम धामी ने भी शिरकत की। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस सघन चेकिंग के साथ सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया। हल्द्वानी में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद की। चेकिंग के दौरान 522 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। प्रदेश में भर में खराब मौसम के कारण 25 जिलों में 1,39,000 हेक्टेयर में फसल खराब हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारियों ने कहा कि चिंता जैसी कोई बात नहीं, ऐसा मौसम में उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, हालांकि कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात खराब भी हुए। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ही गरज के साथ बेमौसम बारिश होने की जताई थी संभावना। रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज रेलवे लाइन के पास युवक की ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली में आईएमए के जिला अध्यक्ष के घर पर लाखों की चोरी हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एक युवक ने मरने से पहले बनाया वीडियो। वीडियो में युवती के साथ धोखा देने की कही बात, जिसके बाद दोस्त के फ्लैट में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बिजनौर के ठाकेद्वार मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने कार को रौंद दिया और वहां से फरार हो गया। कार में फंसे ड्राइवर को राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बदायूं में एक कार और स्कूली बस में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सीतापुर में तिरंगे का अपमान का वीडियो वायरल। दुकान पर काम करने वाले शख्स ने तिरंगे का पोछा बनाकर दुकान की सफाई की। तिरंगे के अपमान को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रायबरेली में एनटीपीसी परियोजना की यूनिट नंबर 1 और 2 तकनीकी खराबी की वजह से हो गई बंद। यूनिट बंद होने से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हुआ। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मरम्मत का काम शुरू करवाया। रायबरेली मलेरिया थाना क्षेत्र में बनी गांव आतिशबाजी के दौरान एक मासूम के हाथ में बम फट गया, जिसे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देहरादून के सहारनपुर में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक की मौत एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में हुई। परिजनों का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों ने टॉर्चर कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। कुशीनगर में जिला कार्यक्रम अधिकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने डीपीओ पर बदतमीजी से पेश आने और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी।
बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कासगंज में तीर्थ यात्रियों से भरी निजी बस पलटी, बस में सवार दो दर्जन से अधिक यात्री घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में पुलिस से न्यायालय मिलने पर जिला न्यायालय गेट के सामने दुष्कर्म पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता मामले को लेकर एसपी से मिले, एसपी कार्यालय भी पहुंची थी जहां पुलिसकर्मियों ने उसे भगा दिया। अलीगढ़ में आए विभाग हाजी जरी की मीट फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में गैस लीकेज से 100 लोग बेहोश हुए थे। वहीं फैक्ट्री में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां भी काम करती हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने साल 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए रखा गया, जिसको देखते हुए आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति बेहद खराब। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारतीय दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने की घटना को बाइडेन सरकार ने कड़ी निंदा की। अमेरिका के हाथ से पूरी तरह से अस्वीकार बताया। कनाडा में पत्रकार के साथ खालिस्तानियों ने बदसलूकी की। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को ब्रिटिश कोलंबिया के सारे शहर में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू की।